गुंजन कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज मौसी जी मुझे मत रोकिए, मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है, मुझे जाने दीजिए। जाने की बात छोड़ो, सबसे पहले हमें ये बताओ ऐसा क्यों किया तुमने हमारे साथ? हमारे सपने को पूरा होने से क्यों रोका गुंजन, क्यों? कितना मन था हमारा तुम्हें और मयंक को एक साथ देखने का, बनती हुई बात को क्यों बिगाड़ दिया तुमने, बोलो। मौसी जी मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना ही मैंने कोई बलिदान दिया है, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा जरूरी समझ के किया, दैट्स ऑल। आप ही ने कहा था ना कि एक लड़की के लिए उसका आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कहा था ना। और मौसी जी महेंद्र को तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है, हम एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करते, फिर ऐसे रिश्ते को शादी में बांधने का क्या फायदा? What's the point? मौसी जी सिर्फ मैं ही जानती हूँ इस बीच मुझ पर क्या गुजरी है। हर कोई मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा था और मयंक उसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, सुना तो विश्वास नहीं किया, एक बार भी नहीं। मैं जानती हूँ मौसी जी इस सबसे आपको बहुत चोट पहुंची, बहुत बुरा लगा, I'm really sorry, so sorry मौसी जी, मैं नहीं चाहती थी। नहीं बेटा तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, तुम सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा। और तुम्हें इस घर को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, कोई माँ अपनी बेटी को ऐसे घर छोड़ के जाने देती है क्या? हाँ और वो भी बिना हाथ पीले किए ऐसे उदास मन से। कुछ तुम तो हमारे कलेजे का टुकड़ा हो बेटा, हम तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दें? और फिर तुम्हारी गलती क्या है? नहीं बेटा हम अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने देंगे, समझे तुम? कहीं नहीं। से हो गई ये शादी तो भगवान करे इनकी जोड़ी बनी रहे बस। आसार अच्छे नहीं है, दुल्हन बिचारी कब से अकेली बैठी है और दूल्हे का अता पता नहीं है। दूल्हा शायद खुश नहीं है इस शादी से। लोगों को अकल नहीं है कहाँ क्या बोलना चाहिए। दीदी हमारा मयंक कितना शर्मिला है ना, चलिए ना उसे लेकर आते हैं। हाँ हम अभी लेकर आते हैं। मुझे लगता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए महेश मुझ पे हमेशा भरोसा करेगा, क्योंकि प्यार की असली बुनियाद तो वही होती है ना। लेकिन वहां भी मुझे निराशा ही मिली, महेश के प्यार की बुनियाद बहुत कमजोर थी। आज अगर ये सीढ़ी नहीं होती तो चारू और मयंक की शादी हो गई होती और मयंक जिंदगी भर मुझे धोखेबाजी मानती। चारू आपकी बहू बन गई और मयंक के लिए इससे अच्छा जीवन साथी नहीं। कंग्रेचुलेशंस मयंक। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा कुंजन, ये शादी करवा के तुमने अपनी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का भी गलत फैसला लिया है। मयंक बेटा ये क्या कर रहे हो? बाहर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे। क्यों क्यों कर रहे हैं मेरा इंतजार?
जाओ जाके बोल दीजिए कि मैं नहीं आ रहा। उन्हें बता दीजिए कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। My life is shattered and thanks to you। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ बेटा, इतनी जोर से चिल्लाओ कि बाहर बैठी सभी औरतें सुन लें और हमारी हंसी उड़ाएं। तुम्हारे ताई जी ने पहले ही कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी बेइज्जती करने में। आग में घी का काम करो तुम। फिर शुरू होगा लड़ाई झगड़ा। आप ही बताइए जेठ जी, हम क्या करें? वह मंडप में इतना अपमान हमने सहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम ही जानते हैं। अब बच्ची कुछ कसर नहीं हमारा लाडला पूरी कर रहा है। बेशर्मी की हद होती है सीमा। सबसे पहले आग तुमने लगाई है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुमने घर की इज्जत मान मर्यादा सब दांव पर लगा दिया। हमारी को घर में चिल्लाओ मत तुम। क्यों, हम क्या गलत कह रहे? जेठ जी, हम सच कह रहे, हमने जो भी किया ना सिर्फ अपने बच्चे की खुशियों के लिए किया, और हर माँ यही करती है। शैल दीदी ने क्या किया? उन्होंने सरेआम हम सबकी इज्जत उतारी। बहुत अच्छा फर्ज निभाया उन्होंने घर की बड़ी बहू होने का। मयंक बाहर चलो, अभी और भी कोई नाटक करना बाकी है। हम हाथ जोड़ते हैं, जो भी रीति रिवाज बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाओ ताकि हम सब चैन की सांस ले सके। अरे रचना, तुम में और मेहमानों में कोई फर्क ही नहीं लग रहा, इस घर की तुम लग ही नहीं रही हो। इधर आओ। पीयू बेटा, अंगूठी ढूंढने के लिए दूध के साथ साथ दूल्हे की भी जरूरत होती है, अकेली दुल्हन अंगूठी कैसे ढूंढेगी? अरे अरे दूल्हे राजा आएंगे, वो बड़ा शर्मा रहे हैं। बेटा शादी की रस्म है, हर किसी को करनी पड़ती है, वो सब लोग आए हुए। चलो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। चलो तो चलो, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम ये अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सारी जिंदगी कौन किस पे राज करेगा, मयंक भैया या चारू भाभी? सॉरी, चारू। वन टू थ्री स्टार्ट। ढूंढो। हम अभी आए। क्या हुआ, खो गए क्या? ये हम जीत गए। अरे वाह, लो मयंक भैया, अब चारू भाभी सारी जिंदगी हम पर राज करेगी। ये अच्छा है, सब लोगों को सरदर्द देकर
मरहम अपने पर लगा रही हो। जब घर की बड़ी बहू ऐसी हरकत करेगी तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखें? कैसी मां हो तुम शहर? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी कुछ दिनों के अंदर हमारी अपनी बेटी की शादी होने वाली है। उसके ससुराल वाले, बाकी दुनिया वाले ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? रचना के भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा? तुमने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा? उस लड़की के मुंह में आकर तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। पूछ सकते हैं क्यों? हमने सिर्फ सच का साथ दिया और सच एक ही होता है, जो सिर्फ हमें ही नहीं बाकी सबको भी पता होना चाहिए। और फिर गुंजन निर्दोष है तो वो किसी और के छल कपट का नतीजा क्यों भुगते? एक आदर्शवादी मौसी ने अपने एक रिश्ते को निभाने के लिए बाकी सारे रिश्तों को दांव पर लगा दिया। और आप तो सिर्फ उसके मौसा जी हैं ना। फिर उसकी सगाई, उसकी शादी, इस सब का खर्चा आपने क्यों उठाया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसे अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए जी खोल कर उसके लिए आपने खर्चा किया है ना। तो फिर हम उसके साथ अलग सुलूक क्यों करें? हमारे लिए वो पराई कैसे हो सकती है? आप बताइए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वो और मयंक एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। शैल, वो बात अलग है। हम सबका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये रिश्ते तुम्हारे लिए कोई माने नहीं रखते। अगर ये रिश्ते हमारे लिए मायने नहीं रखते ना, तो हम इस शादी का हिस्सा कभी नहीं बनते। मजा आ गया। यहाँ हमारी मनपसंद बहू के कदम पड़े इस घर में, और यहाँ बेचारी शैल दीदी, आदर्शवादी शैल दीदी, डांट पड़ रही है उन्हें। बेचारी दीदी, कितनी कोशिश की उन्होंने इस शादी को रोकने की, लेकिन हार गई। हम तो कहते हैं दीदी को ना थोड़ी और डांट पड़नी चाहिए। संगीता, हमारे मयंक का मन तो खट्टा हो गया ना, मानता है वो अपनी शैलताई को। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हमारी चालू है ना, खट्टे मन को मीठा कर देगी। आओ मयंक भैया। मयंक भैया, बीते हुए कल को भूलकर आज से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए, इसी में समझदारी है। चारू, तुम मेरी दोस्त नहीं हो चारू। अपनी दोस्त भी होती, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड। अगर होती ना तो तुम गुंजन की बात कभी नहीं मानती। लगता है मयंक जी को पता नहीं चला कि हम भी सीमा आंटी से मिले हुए हैं। बल्कि सब कुछ सच सच आकर मुझे बता देते। हम क्या करते मयंक जी? वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। हम उनकी बातों में आ गए और अपना तन मन धन सब आप पे निछावर कर दिया, क्योंकि I love you. I really love you. और अब तो हम happily married couple, happily ever after. पता नहीं चारू,
सब कुछ हैप्पीली एवर आफ्टर होगा या नहीं। खुशी क्या होती है, अब तो मुझे उस पर डाउट होने लगा है। एंड एनीवे, जिस हाल में मैं हूं उस हाल में मैं तुम्हें भी कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। चलो मजा चुकाएंगे कि मयंक की स्पेलिंग तक भूल जाएगी। सांस लेना मुश्किल ना कर दिया ना इसका तो हमारा नाम भी चारू नहीं। और मयंक जी, आप हमसे जितनी दूर जाएंगे उतना ही हम इस गुंजन को तड़ पाएंगे। हे भगवान, आई नो दैट जो हो गया है वो बदला नहीं जा सकता और ना ही मैं उसे बदलना चाहती हूँ। बस इस सब से निपटने की ताकत देना। आई नो अब भी रास्ता मुश्किल होगा, सो प्लीज मेरे साथ रहना, मेरी मदद करना। रचना, मिस स्लीपिंग ब्यूटी, चलो उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? कब तक व्यान के सपने देखती रहोगी? चलो चलो गेट अप। रचना, चलो उठो, कॉलेज के लिए तैयार नहीं होना है तुम्हें। नहीं कुंजन, बस 5 मिनट। कुछ नहीं। अरे कुंजन प्लीज, रजाई मत लो, नहीं तो हम ठंडी की मारे मर जाएंगे। ठंड या नो ठंड, तुम अब भी उठ रही हो नाउ। चलो 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 गेट अप, गेट अप, गेट अप रचना, उठो उठो उठो। गुड गर्ल, गुड मॉर्निंग। ये कुंजन भी ना, गुड मॉर्निंग मौसी जी। गुड मॉर्निंग बेटा, चाय पियोगी? अदरक की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, देखे तो सही टिफिन में आज क्या पैक किया जा रहा है। ओ वाओ, लहसुन की चटनी। पता है मौसी जी, मम्मा भी ये बनाया करती थी विंटर्स में, और इस चटनी को ना गरम गरम पराठों के साथ खाने का मजा ही कुछ और है सर्दियों में। कितनी हिम्मत है इस लड़की में, कड़वाहट मिटाकर आगे बढ़ने की चाह। अरे क्या कर रही हो, ये अभी खाने के लिए नहीं है। चलो हटो, हमें तुम्हारा और रचना का टिफिन पैक करना है। रहने दीजिए ना मौसी जी, मैं पैक कर देती हूँ। पता नहीं ये चाय का बर्तन भी कहाँ रखा है। उसकी क्या जरूरत है, हमने सबके लिए चाय बना दी। आप तो रहने ही दीजिए दीदी, ये दिखावा करने की क्या जरूरत है। राम बगल में छुरी, और चाय बनाने का ढोंग मत कीजिए, क्योंकि आपके मन में जो है ना वो उसे छुपने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो आप ऐसा तमाशा नहीं खड़ा करती। एक बार सोचा तक नहीं आपने कि लोग क्या कहेंगे। गुंजन बेटा लो,
सबको चाय दे। अगर सबको चाय देने जा ही रही हो तो इतना याद रखना कि इस घर में अब चारू भी है।